one marker aircraft, two rocket aircraft, followed by four bombing aircraft. Good luck, chaps. Let's go. तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे दबाना चाहे ये देश हमारा दबने वाला नहीं तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि आज देश में हमारे लिए एका की जरूरत है मेल की जरूरत जय हिंद जब लाल बहादुर शास्त्री का उदय भारत के राजनीतिक क्षितिज पर एक राष्ट्रीय व्यक्तित्व के रूप में हुआ वो समय बड़ा अजीब था हजारों साल की गुलामी के बाद हम पहली बार आजाद हुए थे और वो भी एक ऐसे तरीके से जो कि अभी तक विश्व इतिहास में जिसका प्रयोग नहीं किया गया था अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से और ऐसा लगा था कि संसार के समस्त देश जो गुलाम हैं और उपनिवेशवाद के अंदर पिस रहे हैं उनको भारतीय आजादी से एक नई प्रेरणा मिलेगी विभाजन हुआ गांधी जी की मृत्यु हुई किंतु इसके बावजूद हम में एक आशावाद की लहर थी और नेहरू जी उसके प्रतीक थे विश्व बंधुत्व के खास तौर से एशिया में भारत और चीन की मैत्री विशेष महत्व की मानी जा रही थी और ये माना जाता था कि ये विश्व के शक्ति अवरोधों में एक नया संतुलन कायम करेगी लेकिन चीज़ें जैसी होनी थीं वैसी नहीं हुई चीन ने धीरे धीरे आक्रामक रुख अपनाना शुरू किया भारत चीन युद्ध हुआ इंडो तिब्बतन बॉर्डर पर चीनियों ने हिंदुस्तानी फौज पर 20 तारीख को यानी 20 अक्टूबर 1962 को हमला किया था और उस हमले में हमारी शिकस्त हुई थी और हमारे जवान वहां से इधर उधर फैल के निकले थे 62 का के कारण जो एक हमारी फौजों को हार खानी पड़ी थी उससे एक मायूसी और निराशा की बात आई थी हमने बहुत बुरी तरह शिकस्त खाई हम तैयार ही नहीं थे कि हमें भाई की ओर से ऐसा धोखा मिलेगा सारे देश का मॉरल सारे देश की मानसिकता बहुत गिरी हुई थी उस समय हम बहुत हताश थे निराश थे और नेहरू जी पर तो उसका प्रभाव इतना अधिक पड़ा कि वे बहुत दिन तक जीवित भी नहीं रह पाए नेहरू जी के बाद कौन ये सवाल नेहरू जी के समय में ही उठना शुरू हो गया था लेकिन नेहरू जी के बाद लाल बहादुर शास्त्री आएंगे इसकी चर्चा कम ही होती थी लेकिन वे आए तो एक बड़े सौभाग्य की बात हुई पहली बात ये हुई कि बड़े बड़े आभिजात्य प्रभा मंडल बड़े बड़े विश्व स्तर के नारे बड़े बड़े खोखले सपने और उसके साथ एक महापुरुष की गरिमा और प्रभा मंडल इन सब से मुक्त एक बहुत साधारण
धोती कुर्ता टोपी लगाने वाला, मोहल्ले में काम करके ऊपर उठने वाला एक आदमी आकर देश के सिंहासन पर बैठा। जब बैठा तब कभी कभी ये लगता था कि व्यक्ति सिंहासन से छोटा तो नहीं है। शास्त्री जी का जो रूप निखरा उसने सारे देश को मुग्ध कर दिया। शास्त्री जी का कद अचानक बहुत ऊंचा हो गया। परिस्थितियां उनके प्रतिकूल रहीं सदा, उन्होंने उनके जीवन में उन्हें बल दिया और बाद में निर्णायक कदम उठाने की शक्ति भी प्रदान की। उन्होंने एक के बाद एक जो निर्णय लेने शुरू किए उसमें दिखाई पड़ा कि उसकी पकड़ भारत की यथार्थ समस्याओं पर है, जड़ों तक वो पहुंचता है, प्रत्येक भारत का प्रत्येक व्यक्ति उसके लिए महत्व रखता है, प्रत्येक समस्या उसके लिए महत्व रखती है और वो जो निर्णय लेता है वो कठोर धरती पर खा हुआ निर्णय है जो कि देश के लिए सचमुच फायदा पहुंचाता है। जिस्मानी हैसियत से बहुत छोटी सी शख्सियत थी लेकिन बड़ी कद्दावर शख्सियत थी और वो शख्सियत थी लाल बहादुर शास्त्री जी की। यश, प्रसिद्धि, दायित्व, व्यस्तता, इनके बीच भी लाल बहादुर शास्त्री वही सीधे सादे ईमानदार व्यक्ति बने रहे जो कि वे अपने जीवन की शुरुआत में थे जब वे सर्वेंट्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया के सदस्य हुए। उन्होंने एक नई बात रखी जो हमने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान तो सीखी थी लेकिन उसके बाद हम भूलने लगे थे। उन्होंने ये बताया कि देश को केवल राजनीतिक नहीं बल्कि एक नैतिक संबल की आवश्यकता है। राजनीति के अंतर्गत हम कहें कुछ, करें कुछ, किन्हीं उन शक्तियों को बढ़ावा दें जिनको कि हम गिराना चाहते हैं, यह सब राजनीति है। वे इसको नहीं मानते थे। वे यह मानते थे कि इसके बजाय सीधी सादी नैतिक शक्ति, साधन और साध्य की एकता जो महात्मा गांधी ने बताई थी वही इस देश में काम आ सकती है। उन्होंने स्वयं अपना जितना सादगी का रहन सहन रखा उसके कितने ही किस्से मशहूर हैं। लोग उन्हें इस दृष्टि से देखते थे कि वो एक सच्चे ईमानदार नेता हैं। छोटी सी छोटी बात का ध्यान रखते थे। इतने ऊंचे पद पर पहुंच करके भी उन्होंने अपने अपनी आदतों में और अपने जो उनकी आवश्यकताएं थी उसमें उसको उन्होंने बहुत बढ़ाया नहीं था और समय के अनुसार अपने को वो एडजस्ट कर सकते थे। कहीं पर किसी प्रकार से भी कोई दुरुपयोग न हो भारत के राष्ट्रीय धन का, इसका वो ख्याल दिल्ली में प्रधानमंत्री के दफ्तर से लेकर के अपने घर तक में इस बात का ध्यान रखते थे कि राष्ट्रीय धन का सही सदुपयोग हो। उसके बाद कश्मीर समस्या आई, अंग्रेज एक कांटा छोड़ गए थे, उसने अपना रंग दिखाया और भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। चीनी आक्रमण के और चीनी शिकस्त के बाद हम नहीं जानते थे इसमें क्या होगा, बहुत आशा नहीं थी लोगों को। अमेरिका उनको काफ़ी मदद कर रहा था, काफ़ी इक्विपमेंट दे रहा था और उनका प्रोपेगेंडा भी बहुत ज़्यादा था। पाकिस्तानी फौज के पास आधुनिकतम हथियार थे, धन था, अनेक साधन थे, पहले की तैयारी थी, षड्यंत्र थे, साजिश थे और एक मानसिकता को प्रभावित कर सकने की क्षमता थी। हमारे पास इसके मुकाबले में केवल एक चीज़ थी, देशभक्ति। हम अपने देश को फिर से गुलाम नहीं होने देना चाहते थे और हमारे पास कुछ भी ना हो, लेकिन उस एक क्षण में लाल बहादुर शास्त्री आए, उन्होंने युद्ध का नारा दिया। हम शास्त्री जी के पास बैठ कर मार पढ़ रहे थे इसलिए कि लड़ाई न होने पाए देश के खिलाफ हो। इतने में फोन आ गया, शास्त्री जी ने कहा कि तुम लोग मसीन जिनसे फोन आए हो उनसे कहा कि आगे बढ़ो।
लेकिन हम रामायण पढ़ते थे इसलिए कि देश में लड़ाई न चले और देश को भला हो। उनके युद्ध के नारे से ऐसा लगा जैसे कि हम में सब कुछ है, संकल्प है, दृढ़ता है और वो आंतरिक शक्ति है जो कि कभी किसी के सामने झुकेगी नहीं। कुछ आंशिक मोर्चों पर शिकस्तें भी मिल रही थी। तीन चार दिन के बाद हमें पता लग गया कि यानी हमारी इक्विपमेंट उसके बराबर है जो उससे थोड़ी अच्छी है। कहीं पर हम आगे बढ़ रहे थे, कहीं पर पाकिस्तान आगे बढ़ रहा था और पाकिस्तान ने शरारत ये की थी कि जम्मू और कश्मीर के विवादग्रस्त इलाके में उसने अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया था। पाकिस्तान की शरारत की बात आप मुझसे पूछिए। कैरो से नॉन-अलाइन मीटिंग अटेंड करके जब हम लोग कराची रुके खाने के लिए, दोपहर का खाना खाने के लिए, तो खाने के कमरे में जब हम लोग पहुँचे तो वहाँ बड़ी अच्छी महक आ रही थी। तो शास्त्री साहब ने कहा कि अयूब साहब, ये तो देसी घी की महक है, शायद आपके यहाँ देसी घी में पकता है खाना, हमारे यहाँ तो बहुत गिरा हो गया है देसी घी। अयूब ने कहा कि नहीं, ये तो देसी घी नहीं, मैं तो मक्खन में खाना पकवाता हूँ, मुझे पता है कि आपको कायरों में खाने की दिक्कत हुई थी इसलिए आपके लिए ख़ास तौर से खाना पकवाया गया है। लेकिन शास्त्री साहब, एक बात मैं आपसे पूछूँ कि आपके यहाँ घी नापैद क्यों हो गया है? आपके यहाँ तो जानवरों की परवरिश होती है, हमारे यहाँ तो जानवर मार के खा गए, अब तो कुछ और खाने की सोचते हैं। लोगों को ये लगने लगा था कि शायद अब फिर हमें किसी प्रकार मुंह की खानी पड़े। लोगों को लगता था कैसे देश की सुरक्षा होगी, क्या होगी, इस तरह की बातें लोगों के दिमाग में उस समय आती थी। शायद परिस्थितियों ने उन्हें बिल्कुल विवश कर दिया था। 15 अगस्त 1965 को जो उन्होंने भाषण दिया लाल किले के बुर्ज से खड़े होकर, उसमें उन्होंने कहा कि हम इस लड़ाई को नहीं चाहते थे लेकिन हमारे ऊपर ये लड़ाई थोप दी गई। शास्त्री जी इन बातों को जानते थे और जानते थे कि देश की जनता अब क्या सोच रही है, उनकी भावना क्या है। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए उन्होंने कहा था, हम बता देना चाहते हैं और पाकिस्तान को बता देंगे कि धोती वालों में कितना दम है। जम्मू कश्मीर के ऊपर हमला होगा तो उसे भारतवर्ष के ऊपर हमला माना जाएगा और उसी तरीके से उसका जवाब दिया जाएगा। हो सकता है कि प्रेसिडेंट अयूब खान पाकिस्तान के जो समय थे वो इस बात को नहीं मानते होंगे, तो उन्होंने जब हमला किया घुसपैठियों के माध्यम से और फिर अपने सेना के माध्यम से जम्मू कश्मीर पे, तो शास्त्री जी ने यहाँ से आदेश दिया, सोल्जर इन सिविलियन क्लोज, और वो उनका ख्याल था कि वो सब वो काफ़ी नुकसान करेंगे। तो जब ये मालूम हुआ कि उसका मुकाबला अच्छी तरह से कर सकते हैं तो उन्होंने फैसला किया कि ये चमजौरिया इलाके से वो हमारे जम्मू कश्मीर में हमला करें, और चमजौरिया जम्मू के साथ है, उसके साथ है एक पुल जिसको अखनूर ब्रिज बोलते हैं, और जो चीज़ भी ऊपर पुंछ को जाती है, नौशहरा को जाती है, जो नॉर्दर्न जम्मू को जाती है, वो अखनूर ब्रिज से जाती है। तो उनका ख्याल था कि उसको वो कैप्चर करें तो उसके बाद हमारी सप्लाई वगैरह उस इलाके को ख़त्म हो जाएगी। जनरल अयूब की ये रणनीति थी कि पंजाब में एक ब्रीच करके और सीधे दिल्ली की ओर वो टैंक्स लेके आ जाएं। वो तो कहा भी करते थे कि हम तो अगला युद्ध होगा तो सीधे दिल्ली तक पहुंचेंगे। तो वहाँ उनको रोकना और उनके हमले को रोक के जवाबी हमला करना बहुत कठिन और भयंकर कार्य था। जब पाकिस्तान ने चमजौरिया में अचानक हमला बोल दिया तो हमारे पास कोई ऐसा हीला नहीं था कि हम उनको वहाँ रोक सकें। एक ही चारा था कि हम भी लाहौर की तरफ हमला करें। तो मेरे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल चौधरी, वो इसके फेवर में नहीं थे। अंतर्राष्ट्रीय रेखा को पार कर हमारी सेनाएं सीधे इच्छोगिल कनाल पार करते हुए लाहौर की ओर बढ़ेंगी। ये पहली दफा ये मौका था जब
वायु सेना का इस्तेमाल पाकिस्तान के फौज के बरखिलाफ हुआ था, वो चमजोरियाँ भी हुआ था, लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ कि उनकी जो फौज थी काफ़ी ताकत से उधर आई थी, टैंक थे, वो जहाँ भी हमला हुआ उससे आगे नहीं बढ़े, तो उनका जो मकसद था, जो उनका जो एम था, वो पूरा नहीं हो सका। मुझे याद है वो दिन, मैं दफ्तर से घर आ रहा था, छुट्टी जल्दी हो गई थी, और रास्ते में एक उत्साह का ऐसा अद्भुत वातावरण था कि लगता था कि जैसे देश ने अपना कुछ खोया हुआ पा लिया है, ऐसा जो कि हजारों साल पहले खो गया था आज उसको मिल गया। घर पर आते आते पड़ोसियों ने मुझे बताया कि आपने खबर सुनी? नहीं। शास्त्री जी ने सीधे लाहौर पर मार्च करने का ऑर्डर दे दिया। उस एक क्षण में हम सब भारतवासी कहीं पर अपने कद से दो अंगुल ऊंचे हो गए। शास्त्री जी ने मुझे जो ये फैसला पाकिस्तान बॉर्डर के क्रॉस जाने का दिया, इसको मैंने टॉलेस्ट ऑर्डर बाय द शॉर्टेस्ट मैन कहा है, और ये पूरी फौज में फैल गया था। और इसकी तारीफ ये है कि ये फैसला मैंने सुबह मांगा और मुझे चंद घंटों में इसका फैसला मिल गया। अगर उस दिन ये फैसला ना मिलता, ये 3 सितंबर की बात है जब मैंने ये अर्ज की थी, और 3 की शाम को मुझे फैसला मिल चुका था, और 6 तारीख को हमने पाकिस्तान पे लाहौर की तरफ हमला कर दिया था। और ये इस फैसले का जिक्र पूरी फौज में फैल गया था, और पूरी फौज इसकी तारीफ करती थी कि जी इतना जल्दी फैसला मिलना गवर्नमेंट की तरफ से बड़ा मुश्किल था, ये सिर्फ शास्त्री ही जी दे सकते थे। वो जानते थे कि युद्ध में जनरल को और जवान को, इन दोनों को ही निर्णय लेना है कि कैसे युद्ध का सामना करना चाहिए। तो हमारे जो टैंक थे वो सिर्फ सेंचुरियन थे, बहुत कम दर्जे के पैटर्न से, लेकिन वो पोजीशन में पहले लगे हुए थे, उन्होंने पैटर्न को आते हुए बर्बाद कर दिया। बड़ा घमसान युद्ध हुआ उस समय। कहते हैं कि रोमेल के बाद जो नॉर्थ अफ्रीका में द्वितीय विश्व युद्ध में जो टैंक युद्ध हुए थे, उसके बाद सबसे बड़ा युद्ध पंजाब के मैदान में हुआ। पाकिस्तान के उस महम में तकरीबन 100 पैटर्न टैंक बर्बाद हुए, या वो पाकिस्तानी छोड़कर भाग गए, और सारे वो टैंक इकट्ठे करके हमने खेमकरन में लगाए और उसको पैटर्न नगर का नाम दिया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा सरगोधा था, और बड़ा भारी बेस था, उस पर हमारे वायुसेना ने कई दफ़े हमला किया था, काफ़ी कामयाबी हुई थी। हम एनडीए में कैडेट थे, और जब कीलर ब्रदर्स ने सेबर जेट गिराया तो हम सब कैडेट्स का उत्साह और बढ़ गया। सौ 65 में पाकिस्तान ने यह समझा कि हमारा वायुसेना में कोई हिम्मत नहीं है। जहाज भी जो हम चला रहे थे, नेट जहाज जो था वो छोटा था, तो उसने समझा कि लड़ाई में भी, डॉग फाइट में भी हम छोटा हूँ। तो 3 सितंबर जब हमने लड़े उनके साथ और हिम्मत का रंग दिखाया, तो पीला नहीं था, लाल, नीला, हरा, दूसरे सब रंग दिखाए। उसके बाद उसने ये सीखा है
भागने और लड़ने के लिए रुका नहीं, कभी भागते रहे उसके बाद। आफ्टर द एनकाउंटर ऑन 3rd September व्हेन माय ब्रदर शॉट डाउन द फर्स्ट पाकिस्तान सेबर, माय स्क्वाड्रन हैड मूव्ड फॉरवर्ड टू वन ऑफ द फ्रंट लाइन बेसिस एंड वी वर कैरिंग आउट एयर डिफेंस ऑफ द एयरफील्ड एंड स्कॉटिंग हेवीली आर्म्ड मिस्टर एयरक्राफ्ट टू द टारगेट एरिया। And round about 15th September, as you recollect, a very big battle had developed on the ground between the armored columns of Pakistan and India in the Pasur Bulge, Charvinder, around Charvinder, where our army had advanced as much as 200 miles into Pakistan territory. And it was during this battle when a formation of Mistes were heavily armed and were carrying out attack on the armored column, Pakistani armored column, that we spotted a large section of F-86 Sabre jets trying to intercept them and prevent them from attacking. And it is during this battle that we immediately engaged them. I had 4 Nats with me. We immediately engaged them and shot down 2 of their aircraft. And that was the 19th September. And as you know, soon after that, the war finished. We didn't get a second chance again. But I was then moved to Halwara, another forward base, and it was there that the late Prime Minister, Mr. Shastri, had come and met us. And we certainly feel very proud and elated when we met him, because it was a very courageous decision for him to take at that time, especially since we had never been to war and never had used our Air Force, which is a very big decision. And I think he had a lot of courage and he showed a lot of courage. And I must say that he gave the armed forces a lot of backing and encouragement, and that was motivation and inspiration to us. लाल बहादुर जी ने नक्शन के पठानकोट पे आया तो हम खड़े थे नेट के सामने, सैल्यूट मारा, उसने नेट को देखा, मेरे को देखा, मैं भी छोटा हूँ ना, और उसने कहा अरे हम तीनों छोटे हैं। जब हमारे टैंकों ने दुश्मन के इतने टैंक बर्बाद किए कि एक पैटर्न टैंक नगर बन गया, तो हमारे आर्मी कैडेट्स का उत्साह और बढ़ा। इस सब उत्साह के पीछे लीडरशिप थी हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री की, जिन्होंने भारत का खोया हुआ गौरव फिर से वापस लौटा दिया। मुझे याद है हमारे स्क्वाड्रन के नोटिस बोर्ड पर एक फोटो टंगी थी जिसमें श्री लाल बहादुर शास्त्री एक टैंक नुमा केक काट रहे थे और बड़े हंसकर बोल रहे थे, हमने भी एक टैंक तोड़ा। आज भी हम जब उस तस्वीर को याद करते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पूरे पंजाब के लोग उसको देखने आते थे और बहुत देख के खुश होते थे कि हमारी फौज ने देखो कितने भरे भारी टैंक को डिफीट दिया। शास्त्री जी आए और पूरे इलाके का उन्होंने मुआयना किया। हम लोग हलवारा एयरबेस पर उतरे तब मुझे पता चला कि हम तो लड़ाई के मैदान में। मुझे उस समय इतनी खुशी हुई जब मैंने बरकी पुलिस स्टेशन पर अपना तिरंगा प्यारा झंडा देखा। मैंने बाबूजी से पूछा तो उन्होंने कहा इस समय हम लोग पाकिस्तान में घूम रहे हैं। पूरे पंजाब ने फौजियों को बहुत मदद दी और आगे मोर्चों में जाके वो खाना देते थे जवानों को। जवानों के लिए स्वागत सत्कार में का जोश जुनून का रूप लेने लगा और सौभाग्य से मुझे युद्ध के समय जवानों से मिलने का मौका मिला और बड़े बड़े अधिकारियों से मिलने का भी मौका मिला। मैंने देखा उधर 16 पैटर्न टैंक, इधर 3 सेंचुरियन टैंक। झुंझुनू का रहने वाला नायब था, ध्वस्त कर दिया। डोगराई में जिनके हाथ में कमांड थी, आशाराम त्यागी, बहादुर आदमी थे, उनको उनके सूबेदार ने कहा कि मेजर साहब पीछे रह के कमांड दो। उन्होंने कहा नहीं, मैं आगे रह के कमांड दूंगा। वो आगे बढ़े, अपने सैनिकों को ललकारा, उन्होंने जवानों को कि आओ खंदक पर कब्जा करो और इच्छोगिल नहर के पुल पर कब्जा करो। आशाराम त्यागी आगे बढ़े, एक बौछार आई खंदक से दुश्मन के सिपाहियों की गोलियों की, उनकी छाती में मालूम नहीं कितनी गोलियां भर समा गईं, लेकिन वो बहादुर आगे बढ़ता गया और हथगोले फेंक कर इन लोगों ने
खंदक पर कब्जा कर लिया। दुश्मन इच्छोगिल नहर के पुल पर से होकर भागने लगे। हमारे सैनिकों ने आशाराम त्यागी के पुकार पर उनका पीछा किया। जब तीन चौथाई पुल पार कर लिया तो उन्होंने डायनामाइट से पुल को दुश्मन ने उड़ा दिया। वहीं खड़े होकर आशाराम त्यागी ने झंडा फहराया और अपने झंडे को सलामी दे दी और उसके बाद वहीं वो शहीद होकर गिर पड़े। उनकी छाती से 84 गोलियां निकली थी। अद्भुत वीरता, ऐसा लगता था कि जैसे लाल बहादुर जी शास्त्री के उद्बोधन ने, उनके भाषणों ने एक नई प्राण प्रतिष्ठा कर दी थी लोगों के दिलों में, जो सचमुच देशभक्ति से झूम झूम कर अपने प्राण विसर्जन करने को तैयार हो गए थे। ऐसे ही डोगराई में कर्नल हेट, जाट पलटन के कमांडर, उन्होंने 5 सितंबर को ही इच्छोगिल कैनाल पार कर लिया और लाहौर के पास बाटा सू फैक्ट्री के पास पहुंच गए। इन लोगों से मिलने के बाद जो मेरा तजुर्बा हुआ वो ये था कि लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व के प्रति जवान भी और जनरल भी बहुत ज़्यादा आदर भाव रखते थे। सियालकोट सेक्टर में जहाँ लड़ाई चल रही थी, मैं कमांडेंट के खेमे में बैठा हुआ था। उन्होंने मुझे बताया कि 48 घंटे से गोलियां चल रही हैं और हमारे आदमी जवाब दे रहे हैं अपने ट्रेंचेस से, दुश्मन भी गोलियां चला रहा है, 48 घंटे से बराबर गोलियां चल रही हैं। इसी बीच हमने देखा कि बहुत सी, एक दर्जन से ज़्यादा गाँव की महिलाएँ वो खंदक की तरफ बढ़ी चली जा रही हैं। मैंने पूछा, ये गोलियों के बौछार के बीच में ये महिलाएं कहाँ जा रही हैं? उनके सर के ऊपर एक टोकरी थी, हाथ में बाल्टी थी। कहते कि मुझे खुद नहीं मालूम कहाँ जा रही हैं, किसने इनको जाने दिया यहाँ। उसके बाद वो खंदक में घुस गई। हम लोग भी पीछे पीछे गए उनके, गए तो जा करके वो सिपाहियों से, हमारे जवानों से कह रही थी कि 48 घंटे से तुम भूखे हो गए, शायद खाना नहीं खाया होगा तुमने, हम तुम्हारे लिए पराठे लाए हैं और चाय लाए हैं, इनको खा के इनको खाते जाओ। कहले तुम चाहती हो कि हम गोलियां बंद करके दुश्मन की गोलियों का जवाब देना बंद कर दें और तुम्हारे पराठे खाएं? हम कहाँ ये कहते हैं कि तुम हमारे गोलियां बंद करके, तुम गोलियां चलाओ, हम तुम्हारे मुँह में कौर तोड़ के डालते जाएंगे। अद्भुत, यानी वहाँ मुझको लगा कि जैसे कि गांधी जी की अहिंसा भी इनके भीतर भर गई है कि जो बिल्कुल निर्भय, प्राणों की का कोई मोह नहीं, और अपने वीर जवानों को किस तरह प्रोत्साहन देने में लगी हुई है। जब सैनिक को शिक्षा दी जाती है, शिक्षा का आरंभ किया जाता है, तुमसे कहा जाता है कि तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा भाई, तुम्हारा पिता, तुम्हारा सब कुछ ये बंदूक है, इसके सहारे तुम्हें आगे बढ़ना है। लेकिन दुर्भाग्य से भी बंदूक पर ही नियंत्रण रख दिया जाए, यदि सैनिक को कह दिया जाए कि तुम्हें बंदूक का इस्तेमाल नहीं करना है, तो धीरे धीरे उसका हौसला पस्त होने लगता है। श्री लाल बहादुर शास्त्री ऐसे नेता थे जो इस बात को जानते थे कि सैनिक की आत्मा, सैनिक की भावना, सैनिक का मन क्या होता है, कैसा होता है, उसे बुलंदी पर कैसे पहुंचाया जा सकता है। जिस झंडे के नीचे हम आप खड़े हैं और आज बैठे हैं, आज इसकी हिफाजत और इसकी रक्षा का सवाल, इसकी शान बनाए रखना है, ये कायम रहे, हम रहें या न रहें, लेकिन ये झंडा रहना चाहिए और देश रहना चाहिए। कैंप हॉस्पिटल था, वहाँ देखा कि बहुत से लोग नेपलम बम से जला हुआ, उनका पूरा शरीर जला हुआ था। मैं जब पहुँचा, इत्तेफाक से शास्त्री जी भी हेलीकॉप्टर से वहाँ पहुँचे और वहाँ उन्होंने, वहाँ जो दृश्य देखा उन्होंने, शायद महावीर चक्र जिनको प्राप्त हुआ था, शायद भूपेंद्र सिंह जिनका नाम था, भूपेंद्र सिंह
का पूरा शरीर जल करके फफोले पड़े हुए थे पूरे शरीर में नेपलम बम के ज्वलनशील पदार्थ से। उन्होंने शास्त्री जी को वहीं लेटे लेटे सलामी दी और कहा कि आप यहाँ आए हैं, मैं खड़ा होकर आपको सलामी नहीं दे सका, इसका मुझको अफसोस है। शास्त्री जी की आंखों से आंसुओं की कुछ बूंदें टपक पड़ी। जिस समय मेजर भूपिंदर सिंह बाबूजी से ये कह रहे थे, मैं वहाँ था और मैंने पहली बार जीवन में बाबूजी की आंखों में आंसू देखे। अद्भुत दृश्य था और ये दृश्य शास्त्री जी, जिनको लोग कहते थे कि वो लड़ाई, इस विकट लड़ाई को कैसे वो चला सकेंगे, कैसे लोगों में प्रोत्साहन भर सकेंगे, जहाँ जहाँ वो जाते थे युद्ध क्षेत्र में जाते थे और सैनिकों के साथ बैठ के भोजन करते थे और उनको बढ़ावा देते थे और उनसे कह रहे थे सारा देश आपके साथ है, और सच में सारा देश उनके साथ था उस वक्त। इतना बड़ा उत्साह जो कि फिर इतिहास में दोबारा नहीं देखने को मिला हो, ऐसा लगता था। सवेरे ही हमारे कुछ दोस्त घर आ गए, कहने लगे वहाँ क्या पड़े पड़े सो रहे हो, चलो निकलो, हम लोगों को चलना है आज चंदा इकट्ठा करने। और हम सब लोग निकल पड़े हाथ में कपड़ा लेके, कपड़ा फैला देते थे लोगों के घर में जाके, घर वालों के आगे जो वो देते थे, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो पैसा हो, चाहे जो सामान हो, वो सब हम लोग इकट्ठा करते और शाम को जाके उसको जमा कर देते थे। ये एक जो उत्साह की लहर, एक विश्वास की लहर पैदा हुई उस समय, इसका कारण कि जो हमारा नेतृत्व था उसके प्रति हम सबको सहज विश्वास हो गया था। मैं तो चौक के चौराहे पर था, सारे शहर में बहुत ही उल्लासपूर्ण मैं वातावरण था और मुझे जहाँ तक स्मरण आता है एक प्रकार से होली का सा वातावरण हो गया था। तब मैं जोधपुर में थी। जोधपुर पाकिस्तान का बॉर्डर होता है और एयरफोर्स का ट्रेनिंग सेंटर। 10 वर्ष की थी, जैसे कि आज मेरी बिटिया मंदिर। 1965 की पाकिस्तान की लड़ाई, बाबूजी शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे। हम छोटे छोटे बच्चों को जब लड़ाई के बारे में बताया गया तो कुछ विशेष समझ में नहीं आया। पाकिस्तानी जहाज की पहले आवाज़ सुनाई देती थी और उसके बाद फिर जैसे ही हमारे एम्पायर्स ऊपर उठते थे तो और उनके बॉम्बर्स को खदेड़ देते थे, कुछ ही मिनटों में हम लोग भाग करके बाहर निकलते थे ताकि एंटी एयरक्राफ्ट गन्स की वो लाल लाल गुब्बारे आकाश में देख सकें। बाबूजी की आवाज़ में तो वो जादू था, समझ में चाहे बच्चों की इतनी बातें ना आए पर उससे लोगों के क्या हौसले बुलंद होते थे। और उस समय तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इस परिवार के सदस्य होंगी, कि बाबूजी को मैं अपने ससुर के रूप में पाऊंगी। शास्त्री जी की एक विशेष बात ये थी कि इतना बड़ा ऐतिहासिक कार्य करने के बाद भी उन्होंने इतिहास का कोई भी श्रेय अपने ऊपर नहीं लेना चाहा। जब कुछ देशों ने इस बात की धमकी दी कि यदि हम ने आक्रमण किया तो वे हमको भेजने वाला गेहूं अन्न की सहायता बंद कर देंगे। भारत को झुका करके अनाज से सौदेबाजी करना चाहते थे। तो शास्त्री जी का एक बड़ा शुद्ध देसी किस्म का समाधान था। सोमवार का दिन तय किया गया था, एक दिन एक वक्त खाना नहीं खाएंगे। उन्होंने पहली बार अपोजिशन को अपने कॉन्फिडेंस में लेके बातें की। उनमें कुछ अजब जादू था, वे सबका सहयोग लेना जानते थे। जिस समय युद्ध शुरू हुआ और इस बात का खतरा हुआ कि शायद दिल्ली पर हवाई आक्रमण हो तो उन्होंने कई विपक्षी दलों से कहा कि ये समस्या इस दल की या उस दल की नहीं है, ये देश के बचाव का सवाल है। उन्होंने राजनीतिक दलों में किसी तरह का भेदभाव नहीं किया। दिल्ली में यातायात की व्यवस्था कैसे होगी ये प्रश्न पैदा हुआ।
पुलिस बल को और कामों में लगा दिया गया था। उन्होंने स्वयंसेवक संगठनों से सहायता मांगी और स्वयंसेवकों ने दिल्ली का ट्रैफिक संभाल लिया। ये बहुत बड़ी बात थी और इसी से साबित होता है कि वो आदमी किसी दल का प्रधानमंत्री नहीं था, वो इस पूरे देश का प्रधानमंत्री था। मैंने कहा, शास्त्री जी आपने एक बड़ी लंबी लड़ाई लड़ ली। कहने, ये अभी लड़ाई पूरी नहीं हुई है, जय जवान तो हुआ है, जय किसान अभी नहीं हुआ है। उन्होंने नारा दिया जय जवान जय किसान का। भारत गांव में बसता है, इसलिए किसान के बगैर इस देश का उद्धार होना नहीं है। जो जानता था कि सैनिकों का हौसला बुलंद रहना चाहिए, तभी देश की सीमा सुरक्षित रह सकती है। पाकिस्तान की शिकस्त होते देखकर दुनिया की ताकतों ने हस्तक्षेप किया और युद्ध विराम हुआ। शास्त्री जी जब ताशकंद गए तो सबने विदा दिया उनको, मैं भी उस समय आई थी। पाकिस्तान लड़ाई हार गया और शास्त्री जी ताशकंद में समझौता करने गए तो उन्होंने पाकिस्तान को ये नहीं माना कि वो हमसे हार चुका है, इसलिए हम उसके साथ कुछ दबाव, कुछ ज्यादती, कुछ ऐसी शर्तें थोपें। जो कहते थे वही करते थे और वही करके दिखाते थे। देश को जो कुछ दिया वो आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आज भी हम समस्याओं से घिरे हुए हैं। शास्त्री जी सच्चे अर्थों में गांधीवादी थे। एक छोटी सी घटना मुझे याद आती है। बांग्लादेश युद्ध में मैं गया था, एक बार मुक्तिवाहिनी के साथ, एक बार भारतीय सेना के साथ। तीसरी बार गया जब मुजीब लौट आए थे। मैं अपने कुछ पुराने कमांडर मित्रों से मिलने गया, मैंने देखा कुछ नए चेहरे हैं। उनमें से एक सज्जन मेरे पास आए, कहने लगे कि साहब मैं तो आपका दुश्मन रहा हूँ, पाकिस्तान में था, पाकिस्तान में आपके खिलाफ लड़ाई लड़ी है और जो भारत पाक युद्ध हुआ उसमें मेरी बड़ी अहम भूमिका थी, मुझको कई मेडल मिले, लेकिन आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने कहा, फरमाइए। कहने, मैं तहे दिल से ये चाहता हूँ कि मेरा जो दुश्मन था लाल बहादुर शास्त्री, खुदा हमारे मुल्क को भी कोई वैसा ही प्रधानमंत्री दे। क्यों? मैंने ज़रा अचरज से पूछा तो बोले, कहले, हम सब गरीब मुल्क हैं और गरीब मुल्क में वो आदमी जो मरते वक्त अपनी कार का 5,500 कर्जा छोड़ के मरा है, ऐसा प्रधानमंत्री हमको चाहिए, हम सब गरीब देशों को चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री हमारे दिल में बसे हुए हैं। ये बात दूसरी है कि हमने उनसे लड़ाई की और जब ताशकंद में उनकी मौत हुई तो मैंने प्रेसिडेंट अयूब से अनुमति लेकर उनको कंधा दिया, उनके लिए दुआ मांगी कि ईश्वर खुदा हमारे सब गरीब देशों में ऐसे प्रधानमंत्री दो जैसे लाल बहादुर शास्त्री थे। सीधे सरल इंसान थे, वे देश की पहचान थे। सीधे सरल इंसान थे, हो युद्ध या हो शांति, वे हर समय एक समान थे। वे दीन दुखियों के लिए विश्वास थे, वरदान थे, सीधे सरल इंसान थे। जो युद्ध में थे वे उन्हीं के साथ एक जवान थे। जो खेत में थे वे उन्हीं के साथ एक किसान थे।
जो भी जिए पूरा जिए, वे मौत पर मुस्कान थे, वे देश की पहचान थे। सत्यम शिवम और सुंदरम से पूर्ण हिंदुस्तान थे, वे देश की पहचान थे, सीधे सरल इंसान थे, वे देश की पहचान थे।